Dear Akash, congratulations on your YouTube channel. Deep Dialogues with Akash Deep. You never mince your words. You are so precise. You talk about everything with a pinch of humor. You are a rocking star. You always have such a great insight. You have an opinion on everything. And knows how to say it right. From current affairs to films to whatever you can think of. He's such a knowledgeable man. It's going to be deep. It's going to rock. It will do wonders. It's going to be very, very incisive. It's going to be a super hit. I know it. So I'm sure it's going to be a lethal combo and I so look forward to it. You all will love his YouTube channel. It would be a pleasure to listen to you. And I'm sure your show will reflect all your qualities. Please like and subscribe. Watch Akash Deep. हम एंजॉय करेंगे आपका डीप डायलॉग बहुत ही अमेजिंग आइडिया है सो थ्री चीयर्स एंड इट्स गोना बी रॉकिंग कांग्रेचुलेशंस एंड ही इज विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑल द बेस्ट आकाश माय ब्रदर ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वन ऑल द बेस्ट आकाश दीप ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ऑल द बेस्ट ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एंडेवर गॉड ब्लेस लॉट्स ऑफ लव एंड ऑल द बेस्ट सो ऑल द बेस्ट लव यू ब्रदर लोड्स ऑफ लव एंड लोड्स ऑफ लक टू यू आकाश डोंट फॉरगेट आकाश दीप्स डीप डायलॉग Hi guys and welcome to one of the last uploads on Deep Dialogue with Akash Deep in 2019. क्योंकि कुछ ही घंटों में नया साल शुरू हो जाएगा तो इसके बाद जो भी अपलोड होगा वो नए साल में होगा एक साल बाद तो चलिए आखिरी बार करते हैं आओ बहन चुगली करें दोस्तों बिग बॉस के बारे में काफी अपलोड्स हुए हैं CAA, CAB के बारे में भी मैंने बात की है हमारा ये यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पे खास तवज्जो देगा सो लेट्स जस्ट डू अ राउंड अप ऑफ द ईयर नॉट नेसेसरली ओनली अबाउट बिग बॉस टू बिगिन विथ पॉलिटिक्स इस साल मोदी गवर्नमेंट हैज कम बैक टू पावर विथ एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी For a second term, GST और demonetization के बाद भी इस देश की जनता ने absolute majority के साथ बीजेपी को elect किया आते ही बीजेपी अपने कामों में लग गई When I say काम I mean जो उन्होंने election से पहले manifesto में लिखा था उन मुद्दों पे उन्होंने सिर्फ कहानी बल्कि करना शुरू किया अगर पिछली बार डीमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी हुआ तो अब ट्रिपल तलाक एंड 370 एंड सीए बोल्ड स्टेप्स बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए एज अ सिटीजन मुझे अच्छा नहीं लगा मैंने बहुत डिटेल में इसके बारे में अपने डिबेट्स में कहा है टेलीविजन पर और इस चैनल में सीएए के डिबेट्स पर भी मैंने इस बिल को पूरी तरह समझा है और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरे मुस्लिम भाई क्यों आ गए सड़क पर सीएबी जो अब सीएए हो गया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि लॉ बन चुका है अगर इसे चैलेंज करना है तो आप कोर्ट्स जाइए सड़क पर प्रदर्शन करके कुछ नहीं होगा क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट इंटेंशन से जाते हैं तो उसमें और भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं और अनरेस्ट क्रिएट करते हैं जो फिर वायलेंस में तब्दीली लेता है और फिर जब एक झुंड में कहीं वायलेंस दिखता है और लाठी चलती है तो चार इनोसेंट को भी पड़ती है और फिर वो मुद्दा बनता है बट दैट्स द वे इट इज कोई भी नया शख्स ना हिंदुस्तान में लिया जाने वाला है ना निकाले जाने वाला है विद दिस बिल इस बिल में डिपोर्टेशन की पावर ही नहीं है 10-15 साल से जो लोग ऑफिशियली असाइलम लेके वेट कर रहे हैं कि वो हिंदुस्तानी सिटीजंस बने उनके लिए टाइम का अमेंडमेंट हुआ है कट ऑफ डेट हुआ है हम अगर हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को नहीं एक्सेप्ट करेंगे यहां तो फिर वो कहां जाएंगे मेरे मुस्लिम भाई कह रहे हैं कि यार तुमने मुसलमानों को रोहिंग्या उसको इस लिस्ट से बाहर निकाल दिया भाई देयर इज अ नेचुरलाइजेशन
law, there is a foreigners act, जो हमेशा की तरह जो normal circumstances में लोग आते हैं, चाहे वो किसी religion के हो, किसी भी country के हो, वो अपने reasons बताए asylum के लिए, अगर वो logical रहेंगे तो उनको asylum मिलेगी और बाद में citizenship मिलेगी। इसका CAA का उस बिल से कोई, उन रूल से कोई लेना देना नहीं है। ये जो आ चुके हैं उनमें से इन सिक्स माइनॉरिटीज को दिया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम वहां के मेजोरिटी हैं। कोई पाकिस्तानी मुस्लिम इंडिया में थोड़ी असाइलम लेने आता है, और अगर आना भी चाहता है, जैसे अदनान सामी आया, तो फॉरेनर्स एक्ट, नेचुरलाइजेशन एक्ट, जो हमेशा के रूल्स हैं वो तो चल ही रहे हैं। दोनों को मिक्स ना किया जाए। अरे एनआरसी आएगा तो हमें कहा जाएगा हमारे पेपर्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ। अरे कितने ऑप्शंस है आपके पास मेरे भाई, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फोन बिल, मोबाइल बिल, घर का बिल, स्कूल सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह वगैरह। ये सब नहीं है तो इंडेक्स 2 में ये भी रूल है कि अगर आपके पड़ोस के 3 लोग आप ले आओ एज अ विटनेस, जो कहे कि तुम इतने साल से यहां रह रहे हो, तो एक्सेप्ट किए जाओगे। अब अगर कोई ऐसा शख्स है जिसके पास कोई भी पेपर नहीं, और 3 शख्स भी नहीं ला सकता टू प्रूव कि वो इतने साल से इंडिया में रह रहा है, तो ऐसे आदमी की क्वेश्चन होनी चाहिए कि नहीं, इस देश में, ये देश आपका मेरा हम सबका है ना, इसमें रिलीजन कहां आता है? सोशल मीडिया पे मेरे साथ मेरे दोस्त आर्ग्यू करते हैं कि आप आसाम भूल गए क्या? अरे यार, आसाम में सबसे ज्यादा हिंदू अफेक्ट हुए जब एनआरसी हुआ। अब अगर पैन इंडिया एनआरसी होगा, अभी तक अनाउंस नहीं हुआ है, तो वहां की मिस्टेक्स विल बी नोटेड, करेक्शंस विल बी मेड। हम ये क्यों समझने लगते हैं अचानक कि हम ही अकलमंद हैं और बाकी सब बेवकूफ हैं? हम सब ने जाके अपने आधार कार्ड बनाए, कोई रिलीजन के बेस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन हुई क्या? यहां क्यों होगी? हिंदुस्तान का मुस्लिम उतना ही इंडियन है जितना एक हिंदू का, सिख, कैथलिक, ईसाई, जो भी। डोंट फील लाइक अ माइनॉरिटी, डोंट बिहेव लाइक अ माइनॉरिटी। दैट्स द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री। Not like Afghanistan, Pakistan and Bangladesh where only Muslims are supreme and Hindus don't even have the right to vote. आप इस देश में रहते हो जहां हर एक equal है, बल्कि जिन लोगों ने अपने आप को minority बोला है उनको extra support मिलता है, reservations, jobs, subsidies, even holy visits के subsidies के लिए मिला जाता है, हिंदुओं को नहीं मिला जाता है, जबकि ये 70% हिंदू country है। तो क्या हिंदू road पे आता है? यार मेरे भाई, बहन, दोस्त, हर रिलीजन सर आंख ऊपर, लेकिन रिलीजन रखिए अपने पर्सनल मोमेंट के लिए, टू कनेक्ट टू योर गॉड एंड दैट्स इट। बाहर आने के बाद एक ही रिलीजन, इंडियननेस। इस देश को सुपर पावर बनाना है, इस देश को वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री बनानी है, तो पहले हम सब में भी वो चेंज आना पड़ेगा। सिर्फ हमारे 550, 570 नेता नहीं कर सकते ये चेंज, वो तो महज रूल्स बना सकते हैं, फॉलो हमें करना चाहिए। ना लेना ना देना सीएए में हम अपने स्टेशन, बस, गाड़ियां तोड़ने लग गए। डायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनकम टैक्स, 4% इंडिया की भर्ती है। क्या हक है आपको हमारे टैक्सेस से बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को तोड़ने का? माइनॉरिटी कार्ड यार, क्या यार, आपको थोड़ी निकाला जा रहा है, ना कभी निकाला जाएगा। मैं आपको इस अपलोड के थ्रू ये बात की गारंटी देता हूं तो कि मेरे जैसे लाखों लोग खड़े होंगे मेरे मुस्लिम भाइयों के लिए, अगर आपको ये डर है कि एनआरसी होते वक्त आपको बाहर निकाला जाएगा। हम देखेंगे कि नहीं निकाला जाए, अब बोल तो वो नौबत ही नहीं आएगी। हैव नो फियर्स, यू इलेक्टेड अ गवर्नमेंट थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यू गिवन देम द रेंज ऑफ द कंट्री, नाउ शो सम रिस्पेक्ट। There's a thin line between peaceful protest and then when it turns violent. और जो लोग peacefully protest करना चाहते हैं वो नहीं, जो rogue elements हैं, जो funded लोग हैं, जिनका काम ही यही है unrest फैलाना, वो घुसते हैं ऐसे mobs में, और फिर जब violence होती है और law and order की वजह से लाठी charge होता है, तो 4 innocents को भी पड़ती है, फिर उस बात का मुद्दा बनाया जाता है। But that's the only way to govern. खैर, मैंने सीए और सीबी के बारे में अपने बाकी अपलोड्स में बहुत कुछ बोला है। इट वॉज द हॉट टॉपिक, इट्स डाइंग डाउन नाउ। आई होप वी रिमेन यूनाइटेड। द ब्यूटी अबाउट इंडिया एंड द रीजन व्हाई इंडिया गेट्स सो मच रिस्पेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इज, यार
इस्लामिक कंट्रीज में शिया और सुन्नी लड़ रहे हैं, फलाना और फलाना लड़ रहे हैं। हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है यार जहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जू हू सब सारे रह रहे हैं यार। लेट्स कीप दैट, लेट्स नॉट स्पॉइल दैट फैब्रिक। आगे चल के यूनिफॉर्म सिविल कोड भी आएगा और जायज है, वन कंट्री वन लॉ, ऑल आर इक्वल। प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ योर रिलीजन आप अपने घर में करो, कोई नहीं रोकेगा। बाहर एक रूल चलेगा, एक लॉ चलेगा, तभी गवर्नेंस इजी होगी। एनआरसी बनने से आप या हम जो हिंदुस्तान के सदियों से रहने वाले लोग हैं, हम नहीं इफेक्ट होने वाले। पता चलेगा इलीगल कौन है, तभी तो देश बचेगा, तभी तो देश तरक्की करेगा। वर्ल्ड की शायद हर कंट्री में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये एनआरसी नहीं होनी चाहिए इंडिया में। अरे आपने तो खुद नाडा किया हुआ है अपने कंट्री में। सो डोंट अलाउ दीज नेगेटिव थॉट्स टू कम इनटू योर माइंड। पर्सिक्यूशन, माइनॉरिटी कार्ड, नो। पर्सनल फ्रीडम कहीं नहीं जाएगी। देश के कुछ रूल्स हैं, वो फॉलो कीजिए। बाकी आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जितनी फ्रीडम यहां है और कहीं नहीं है। I won't bore you with too much of politics. हमारा ये चैनल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट पर खास तवज्जो देता है। Let's come to sports. From a small, poor country struggling with international sports people, we are now a powerhouse. बिलियर्ड स्नूकर हमारे यहां पॉपुलर नहीं है, लेकिन हमारा पंकज अडवाणी 21 या 23 वर्ल्ड टाइटल जीत चुका है। That's a huge honor. हाल ही के वर्ल्ड टूर्नामेंट में 15 या 17 मेडल्स जीते हमारे शूटर्स ने, हमारे बॉक्सर्स, इवन वुमेन बॉक्सर्स, हमारे रेसलर्स, पोगाट, मैरी कॉम इन बॉक्सिंग, द नेहवाल्स एंड कश्यप्स एंड द रेस्ट इन बैडमिंटन, विराट कोहली एंड हिज टीम इन क्रिकेट, जिम्नास्टिक्स, रनिंग, स्प्रिंटिंग। माई गॉड, इंडिया is being taken very, very seriously. आज स्पोर्ट्स एक प्रोफेशन है, करियर है। शाम को 2 घंटे बिताने का जरिया नहीं है, करियर बनते हैं स्पोर्ट्स से। विराट कोहली की कमाई किसी बॉलीवुड के स्टार के टक्कर से है। That's how big sports has become in India. Hockey has slipped being our national sport. I blame it on 2 things. Bad governance and the introduction of AstroTurf. European countries ne dekha ki Hindustani aur Pakistani skills jo hamare Asian countries ke hockey players mein wo unme nahi hai. Ab wo le aaye AstroTurf jisme pani dal ke phir aap khelte ho, jahan aapka endurance aur stamina becomes more important than skill. Ab Asians are not naturally built athletes. You look at an African, even if he is not a sportsman, he is blessed with the kind of genes. क्यों तगड़े लगते हैं? ऐसे नहीं है कि सारे मैराथनर्स अफ्रीका से आते हैं, है कुदरती डीएनए में है। तो जब एंड्योरेंस बिकेम मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल, जो अशोक कुमार, ध्यानचंद और पाकिस्तानी कितने अच्छे हॉकी प्लेयर्स में होती थी, वो स्किल छोड़ के जब एंड्योरेंस बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तब इंडिया गिरने लगा। बैड गवर्नेंस की वजह से और गिरा, बट अदरवाइज We are doing very well in sports. अगर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, सहवाग, द्रविड़, लक्ष्मण वगैरह हिंदुस्तान को एक मकाम पर लेके आए, तो विराट कोहली इन टीम तो ऐसी ऊंचाइयां छू गए कि हिंदुस्तान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीच में 8-10 साल महेंद्र सिंह धोनी ने भी इस टीम को बहुत ब्यूटिफुली कल्टिवेट किया। हर टॉप 10 की लिस्ट में हमारे 2-3 प्लेयर आएंगे, बैटिंग हो, बोलिंग हो, वगैरह वगैरह। पूरे वर्ल्ड की 80% रेवेन्यू क्रिकेट की हिंदुस्तान के स्पॉन्सरशिप से आती है। इसीलिए शशांक मनोहर, जो इंडियन आईसीसी के प्रेसिडेंट है, जब वो हिंदुस्तान को उसका हक और उसको जो मेजॉरिटी रोल प्ले करना चाहिए बिकॉज इट ब्रिंग्स इन दैट मच फंड्स, जब वो नहीं मिलता तो दिस इज अ बैड साइन। अब सौरभ गांगुली आ गए हैं, आई एम श्योर थिंग्स विल बी रेक्टिफाइड। ग्रूमिंग ऑफ क्रिकेट में राहुल द्रविड़ संभाल रहे हैं,
team management, Ravi Shastri, Samal Ray, we've got the right people in the right place. And that's why cricket is far more well-oiled than some of the other sports. Tennis, Sania Mirza, Leander Pace ke baad, ab youngsters bhi aa rahe hain. Vijay Amrit Raj, usse bhi pehle Ramanathan Krishnan, Bhupati Pace, aur ab tennis mein bhi hum kitne world titles jeet chuke hain. Doubles mein sahi, but doubles bhi to bhi ek bahut bada tennis sport hai. So we're doing fine in sports, and I'm sure we're going to climb higher in the years to come. Ab rahi entertainment ki baat, sabse pehle main television ke bare mein aapko bataun ki mujhe Hindustani television bada regressive lagta hai. I don't blame the channels. There are restrictions. Kuch saal pehle maine bhi ek show banaya tha, Bhoot Aaya, Real Ghost Stories, Sony par. Problem ye hai ki ghost stories sabse zyada enjoy karte hain bachche. लेकिन गाइडलाइंस ऐसे है कि आपको 10:30 बजे के बाद टेलीकास्ट करना पड़ता है, तब तक बच्चे सो जाते हैं. जाहिर सी बात है, सुबह उनका स्कूल है. नाउ दीज थिंग्स हैव टू चेंज. सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में आपको हर सब कुछ फ्री मिलता है, अपने टाइम पर जब चाहे देखें. तब मेरे पास ऑप्शन है, तो या तो फिर टेलीविजन को भी उस लेवल तक आना पड़ेगा, उसके लिए आपको कई सारे रूल्स रिलैक्स करने पड़ेंगे. 80% ऑफ द पॉपुलेशन के लिए टेलीविजन रह जाएगा न्यूज और लाइव स्पोर्ट्स का जरिया, बाकी सारा एंटरटेनमेंट वो देखेंगे अमेज़न, नेटफ्लिक्स और बालाजी और जी और ऐसे हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, वूट वगैरह. क्या वेब शोज बन रहे? पिछले साल मैं भी ब्रीद का एक हिस्सा था, अब भी हूं. मिर्जापुर, सीक्रेट गेम्स, कई शोज, अपहरण, इंटरनेशनल शोज भी हम यहां बैठ के देखते हैं, और उसी बुके में हिंदुस्तानी शोज भी है. तो हमारा क्वालिटी भी ऐसा उठ रहा है कि यू नो वी कैनॉट सी एन इंटरनेशनल शो एंड से वेरी गुड एंड देन सी एन इंडियन शो एंड से ओ ये इंडियन है ना तो चलेगा. नो, इवन आर शोज हैव टू बी एट पार एंड दे आर बिकमिंग. Players like Amazon and Netflix are giving us these budgets. 2-3 show इस साल हम भी शुरू कर रहे हैं, बड़े बड़े shows, आप देखना. Confidentiality की वजह से हम ज्यादा उनके बारे में बता नहीं सकते. अभिषेक बच्चन के साथ ब्रीड 2 आएगा, ब्रीड 3 आएगा. बड़े बड़े A-listers आ गए हैं. अक्षय कुमार Amazon का एक वेब शो कर रहे हैं. सैफ ने सीक्रेट गेम्स किए हैं. विवेक ओबरॉय, अर्जुन रामपाल, अनिल कपूर ने टीवी किया है. सलमान खान बिग बॉस करते हैं. अमिताभ बच्चन केबीसी करते हैं. कपिल शर्मा छाया हुआ है. सो इंडिया इज द एंटरटेनमेंट हब. मैं जब भी विदेश जाता हूं और मैं काफी घूमता हूं, लोकल्स के पास टाइम नहीं होता टीवी देखने का. महीने में 2-3 बार देखते हैं, हम तो 2-4 घंटे रोज देखते हैं. और ये इंटरनेशनल प्लेयर्स जो आए हैं वो अच्छी बजट्स लेकर आए हैं, वो हमारी बॉलीवुड की फिल्में भी ले रहे हैं और अपने बुके में डाल रहे हैं. और इतना इन्फ्यूजन ऑफ मनी हुआ है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हमें वो स्लोनेस, स्लगिशनेस इन ग्रोथ जो ओवरऑल इंडिया में दिख रही है वो नहीं दिखती. आई होप दिस प्रोएक्टिव न्यू गवर्नमेंट विल ऑल्सो रेक्टिफाई दैट इकोनॉमिक सिचुएशन. I'm sure they are worried and they are working on it. Cash economy, parallel economy से अब हम एक white economy बन रहे हैं. कितने NPAs हैं banks में, उनको wipe out किया जा रहा है. छुपाया रखा था आज तक, अब खुलासा किया जा रहा है. ये वही black money है जो real estate में जाती थी, और जब वो black money कम होगी तो real estate industry slump में गई है. Don't blame the government. The government is doing good constructive steps. 2-4 साल बाद आप देखोगे इनका फायदा. जब तक हमारे ट्रांजैक्शंस ऑफिशियल और ग्रे से निकल के व्हाइट इकोनॉमी नहीं आएंगे, हम कैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे? और अगर सब कुछ इसी तरह प्रॉपरली स्ट्रीमलाइन होगा, हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे. टेलीविजन पर बिग बॉस के बारे में मैंने कई अपलोड्स किए. साल खत्म हो रहा है, 10-12 कैंडिडेट्स अभी भी अंदर है. आज शायद अरहान आउट होगा. This year it's been about Siddharth Shukla versus the rest.
voyeurism, other people's lives. Aao, behen, chugli kare, kitna maza aata hai. Dosto, Big Boss has caught up. Mere jaisa aadmi jo din bhar kaam karta hai, films, TV, web par, TV debates pe jata hoon, uske baad bhi mujhe time milta hai ki main Big Boss dekhoon aur uske baad Aao, behen, chugli karoon. Social media par aur 2-4 baar hafte mein episodes banakar Deep Dialogue with Akashdeep par post karta hoon. बारह महीने खत्म हो जाते हैं और एक सेकंड बाद एक नया साल शुरू होता है. नई उम्मीदें, नए सपने, न्यू होप्स, न्यू रेजोल्यूशंस. लेकिन बिग बॉस विल फ्लो इनटू 2020 फॉर अनदर 5 वीक्स. एक एक करके लोग निकलेंगे एंड माय गेस इज दैट द वीकर प्लेयर्स आर इन आसिम्स ग्रुप. अरान आज रात को जाएगा. उसके बाद अगर कोई वीक प्लेयर्स फिलहाल है वो है बग्गा, विशाल, तुल्ली, सारे एक तरफ, क्योंकि दूसरा कैंप महारथियों से भरा है. सिद्धार्थ, शहनाज, पारस, मायरा, शिफाली जरीवाला, आरती, ये लोग इतनी जल्दी नहीं जाने वाले. वासिम भी केयरफुल, तुम धीरे धीरे अकेले पड़ जाओगे. और तुम्हारी एडवाइस जो रश्मि को होती है और रश्मि की एडवाइस जो तुम्हें मिलती है बहुत गलत होती है यार. आई एम श्योर तुम लोगों में बहुत सारी अच्छाइयां भी है, अब दिखाओ यार. 5 हफ्ते रह गए हैं. Why are you saving your goodness? Show it to us. We are enjoying. 2020 में नए कैंप्स बनेंगे, नई दोस्तियां होंगी, कुछ लोग जाएंगे और आखिर में 5 रह जाएंगे. फिर वो हमेशा की तरह पैसे का सूटकेस दिया जाएगा जिसमें ऑप्शन आएगा आउट ऑफ द 3 एक चाय और आखिर में एक विनर होगा. मेरे हिसाब से लास्ट 2 में सिद्धार्थ और शहनाज रहेंगे. I'm not biased, but I followed every moment of it. इसलिए I have this feeling. रश्मि सिवाय सिद्धार्थ को put down करने के लिए और कोई game लेके नहीं आई है and that is sad because she's such a big star. A lot was expected from her. बहुत कम समय रह गया. I don't know if we are going to see a new Rashmi. It's difficult for her to rediscover herself. यार उस घर में ना समझ में नहीं आता. कल के episode में Devalina ने बताया ना कि जब वो अंदर थी उसको भी लगता था यार सिद्धार्थ भड़कता है, गलत बोलता है. बाहर से वो देख रही है तो अब उसको समझ में आ रहा है कि यार वो तो एक कोने में अपने ग्रुप के साथ बैठा रहता है, ना किसी से बात करता है ना कुछ. जबरदस्ती आप उसको पोक करते हो तब वो देता है आपको और फिर भर के देता है. ठीक है, देना भी चाहिए. क्या वो नहीं जानता कि सब मिलके उसको तोड़ने की कोशिश करें? अगर आपको चैंपियनशिप जीतनी है तो आपको पोटेंशियल नंबर 1 को ही तोड़ना पड़ेगा ना. लेकिन आसिम एंड रश्मि, वन मोर टाइम एंड फॉर द लास्ट टाइम इन 2019, लेट मी टेल यू, बिफोर यू रीच सिद्धार्थ, You have Paras and Shehnaz to break on the way. मुझे नहीं लगता कि तुम उन दोनों को भी तोड़ पाओगे. दोनों घात प्लेयर है. अगर उनसे आगे निकले तब तुम्हें सिद्धार्थ मिलेगा. डायरेक्ट जंप ना मारो. लेकिन अगर बॉलीवुड एक सीक्वल बनाए टू अ यस्टरडे फ्लॉप फिल्म कॉल्ड हम नहीं सुधरेंगे तो उसमें शायद आसिम और रश्मि लीड प्लेयर्स होंगे. Just joking, I have no bias to anyone. May the best man win. So friends, let's wind up this last upload of 2019 by me telling all of you, let's leave behind petty things like minority cards, religion. Let's be Indian. Let's be happy. Life is beautiful. Let's maximize the moment. Jo hai so hai. आपको उस दौर से गुजरना है. चॉइस आपकी, आपको हंसते हुए गुजरना है या रोते हुए गुजरना है. नेगेटिविटी मत बढ़ाइए, नेगेटिव ऑरा मत क्रिएट कीजिए बिकॉज नेगेटिविटी इनवाइट्स नेगेटिविटी. लेट्स बी पॉजिटिव. लेट्स रिटेन दैट ग्रेट फैब्रिक ऑफ दिस कंट्री, वर्ल्ड की इकलौती कंट्री जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इतने तादाद में साथ में रहते हैं. आई प्रे दैट 2020 ब्रिंग्स हैप्पीनेस, खुशियां ऐसी बरसे आप सब पे कि एक लाइफ है. एंजॉय, बी हैप्पी, बी गुड, डू अ लॉट ऑफ चैरिटी. इफ इंडिया हैज टू बी ग्रेट, यू एंड मी हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट इरिस्पेक्टिव ऑफ आर रिलीजन. वी हैव द एबिलिटी. वी हैव पीपल हु आर मेकिंग यूज ऑफ अस एंड मेकिंग अ लॉट ऑफ अस बिकम नेगेटिव. लेट्स नॉट अलाउ दीज मिसगाइडेड पीपल टू लेट दैट हैपन. I'm reminded of that song sung by the bunch of
the best talent in the world. We are the world, we are the children. We are the ones who need a better place, so let's start living. From these beautiful lines, I sign off 2019. Wishing every Indian in particular and the world at large a very happy new year. Keep watching Deep Dialogue with Akashdeep. Subscribe, like, share. छोटा सा वीडियो भेजिए अपने सवालों के साथ. हम आपका सवाल भी दिखाएंगे और हो सके तो उसका जवाब भी देंगे. और बिग बॉस खत्म होने के बाद हमारा रिश्ता नहीं खत्म होगा. हम कोई और चीज, कोई और मुद्दे के साथ जुड़ते रहेंगे. दिस यूट्यूब चैनल विल बी ऑन. I will be in touch with you. I love life, and to love life, I love people. Beautiful people. We may have our disagreements over issues, over topics, but that should not change the fact that we love each other. I do. Keep loving me the way you do. See you in 2020. Good night. Dear Akash, congratulations on your YouTube channel Deep Dialogues with Akash Deep. You never mince your words. You are so precise. You talk about everything with a pinch of humor. You are a rocking star. You always have such a great insight. You have an opinion on everything and knows how to say it right. From current affairs to films to whatever you can think of. He's such a knowledgeable man. It's going to be deep. It's going to rock. It will do wonders. It's going to be very, very incisive. It's going to be a super hit. I know it. So I'm sure it's going to be a lethal combo and I so look forward to it. You all will love his YouTube channel. It would be a pleasure to listen to you. And I'm sure your show will reflect all your qualities. Please like and subscribe. Watch Akash Deep. हम एंजॉय करेंगे आपका डीप डायलॉग. बहुत ही अमेजिंग आइडिया है. सो 3 चीयर्स एंड इट्स गोना बी रॉकिंग. कांग्रेचुलेशंस एंड ही इज विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट. ऑल द बेस्ट आकाश माय ब्रदर. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वन. ऑल द बेस्ट आकाश देव. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस. ऑल द बेस्ट. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर एंडेवर. गॉड ब्लेस. लॉट्स ऑफ लव एंड ऑल द बेस्ट. सो ऑल द बेस्ट. लव यू ब्रदर. लोड्स ऑफ लव एंड लोड्स ऑफ लक टू यू आकाश. डोंट फॉरगेट आकाश लीव्स डीप डायलॉग.